من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my another video. तो यार पिछला व्लॉग आप लोगों ने मेरा देखा था, काफी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला था उस पर। हालांकि इतने व्यूज अच्छे नहीं थे, लेकिन एक मतलब ट्रेंड चेंजिंग लाए थे हम लोग ब्लॉग में, और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसी ही चेंजिंग जो है ना लाने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं खड़ा हूँ हमारे दीवान जामा मस्जिद में, जो कि 1995 से कुछ साल पहले, मतलब तकरीबन कुछ पहले ही बनी है, और आज मैं इसके बारे में जो है ब्लॉग बनाने आया हूँ। मैं चाहता था कि मैं जिस जगह रहता हूँ, मैं पहले उस जगह को जो है ना एक अच्छे तरीके से मैं उसको आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाई है, लेकिन एक उसमें वो एबिलिटी नहीं थी, उसमें कोई खासियत नहीं थी कि जिसे मैं आपको वो सही तरीके से दिखा सकूँ या समझा सकूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना एक एक चीज़ को हम बिल्कुल तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम आपको दिखाएँ। तो ये मेरी हम लोग जहाँ पर रहते दीवान में, ये वहाँ की मस्जिद है। चलो आप लोगों को इस पूरी की पूरी मस्जिद का व्यू बना। खूबसूरत तरीके से इसकी दीवारों को सजाया गया है, वो भी कुरान पाक की आयात के साथ। और तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस पर मतलब किस तरीके से इसको जो है डेकोरेट किया गया। ये जो शेल्फ आप लोग देख रहे हो, ये कुरान पाक के लिए मतलब खुदा को होता है, और इसमें कुरान पाक वगैरह यासीन शरीफ जो कि उसके लिए बनाए हैं। और उसके अलावा ये जो है खुतबे जो होते हैं, मतलब किताब वगैरह जैसे जुम्मे का हो गया या ईद का, ये उसकी वजह से ये मुकर्रर की गई थी, मतलब जिसमें जुम्मे के या कोई भी ईद नमाज के किसी भी तरीके का खुतबा दिया जा सके। और ये वो पोर्शन है जहाँ पे अजान दी जाती है मस्जिद में। ये माइक वगैरह देख सकते हैं, माइक वगैरह रखे हुए हैं, और उसके अलावा इधर भी मतलब कलमे वगैरह रखे हुए बिल्कुल बकायदा से। तो चलो बाहर का व्यू करते हैं। मेरे पास जैसा बड़ा पैकेज था मतलब। तो यार ये जो है ये इस मस्जिद का मतलब बाहर का सहन है, ठीक है। अच्छा मैं तुम लोगों को एक और बात क्लियर करता चाहूँ कि ये पोर्शन बाद में बना है, वो पहले पोर्शन ये बना है, क्योंकि जब ये पोर्शन इस पोर्शन की तामीर की गई थी तो उस टाइम पे ना ये छत थी ना ये पिलर, सिर्फ और सिर्फ ये ज़मीन थी। बाकी उसके अलावा आप लोग मतलब देख सकते हो इसको, मतलब कितनी खूबसूरती से, कितना मतलब भी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया। तो चलो आपको हमने ये मतलब सब कुछ दिखाया, भी चलते हैं वज़ू खाने की तरफ, और मैं आपको इसका खूबसूरत वज़ू खाना भी दिखाना चाहूँगा। चीज़ यहाँ पे मुयसर है, पानी गरम ठंडा हर एक चीज़ की सहूलत है, ताकि नमाज पढ़ने वाले को किसी भी चीज़ की कमी पेश ना आए। और सबसे बड़ी बात ये कि यार इतनी प्यारी प्यारी मस्जिदें बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नमाज नहीं पढ़ने आते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं भी नहीं पढ़ता यार, मुझे खुद पर भी मतलब इस बात पर अफसोस है कि मैं खुद भी, हम लोग मुसलमान होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते यार। मस्जिद का व्यू, वज़ू खाने का, हमने हर चीज़ आपको एक दिखाई,
हाँ, मैं हिस्ट्री ऑफ दीवान फारूक लिखा था, लेकिन शायद मैं आप लोगों को बता नहीं पाया, मुकम्मल नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे खुद एक चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ दिखाई और उसके बारे में जितना मुझे थोड़ा बहुत पता था मैंने आप लोगों को बताया। और अब बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि यार इस बात पे सिर्फ हम सबको कायम रहना चाहिए कि यार मस्जिदें हमारे पास बनाई गई हैं, वो इसलिए नहीं कि वो सजावट के लिए, खूबसूरती के लिए, वो बनाई गई हैं नमाज के लिए। तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको जो है ना अल्लाह नमाज़ पढ़ने की तौफीक अदा करे। और उसके अलावा इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखना और नए व्लॉग के आने तक का जो है इंतज़ार करना। और अब ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, और उसके अलावा तो अपना ख्याल रखना और जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।